शी शाम सभी को, आज मैं आपको LP का इनोवेशन स्टूडियो दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। चले भाई, सबसे पहले आप ये सब अचीवमेंट देख सकते हो जो यहाँ के बच्चों को मिले हैं, इतने सारे देख सकते हो। ये 100 रिसर्च पब्लिकेशन, ये कुछ इवेंट्स हुए हैं हमारे इनोवेशन स्टूडियो के, ये देख सकते हो आप। डेयर टू इनोवेट, RC एक्सट्रीम, LPU समर स्कूल और इनोटेक 2022-23, ये सारी चीज़ें हुई हैं। नासा का कुछ है, सब अंदर का है, जो भी बनाया है स्टूडेंट्स ने वो सब इस TV पे चलता रहता है, LCD जो भी है उस पर चलता रहता है। ये सोलर बस है, अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ और मज़ा आएगा। लेकर चलता हूँ आपको, सब दिखाता हूँ। सोलर बस है, अंदर एयरक्राफ्ट है। चले, जो मेरे आप पीछे देख रहे हो वो है थ्रेड साइकिल, जिसमें आप देख सकते हो ट्रैक्टर का टायर पड़ा हुआ है, और देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे बैठना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। अमन भाई गिर मत जाना, और ये नीचे भी एक बंदा बैठ सकता है। और पीछे देख लो, छोटे छोटे टायर लगाए हुए हैं, स्कूटर वाले कह सकते हैं या ट्रैक्टर छोटे वाले कह सकते हैं आपको। और ये जो साइकिल देख रहे हो आप वो है हैकस्टॉक्स, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। मतलब एक चीज आप खुद बताना कि एक पैडल इस तरफ है, एक पैडल उस तरफ है, एक साइकिल का हैंडल इस तरफ है, एक उस तरफ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगी ये। एक बंदा इधर जाएगा तो एक बंदा उधर जाएगा, तो ये जाएगी किस साइड? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बंदा अगर चला रहा है इस साइड को जा रहा है, अपना कहीं दूर जा रहा है तो इस साइड को जा रहा है, फिर अगर थक गया है तो वापस घर जाना है तो दूसरा बंदा इस साइड को खींच रहा है, ऐसे ही कुछ होगा। बट जो भी है बढ़िया बनाया है। IC गो कार्ट है, जो कि शायद थोड़ी सी बनाई हो, शुरू में चली हो तो अभी थोड़ी ख़राब है, बट जो भी है जिसने ही बनाई है बढ़िया से बनाई है, काफ़ी मेहनत लगी होगी क्योंकि छोटा इंजन लगा हुआ है शायद। हाँ, छोटा इंजन पीछे लगा हुआ है, पंखा उंखा सारी चीज़ें हैं देखो। और यहाँ तो रस्सी से बांध रखा है, ये हैंडल है इसका, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है। पीछे जो देख रहे हो वो है KGF वाली बाइक कह सकते हो आपको, और शायद इसमें LPG का यूज़ करा गया है, मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, बट यहाँ LPG लिखा हुआ है और इंजन भी लगा हुआ है, मतलब बाइक शायद वर्किंग में हो। तो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो पेडल वाली बस कह सकते हो आप, जो इतने सारे आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10 लोग कुछ पैडल मारेंगे, ये पकड़ के बैठ के यहाँ पैडल मारेंगे, और मेन अपना ड्राइवर है जो ये अमन भाई अपना ड्राइवर है, वो चलाएगा, मेन बंदा चलाएगा, और इतने लोग पैडल मार सकते हैं। हमारी ये एडवांस बग्गी है, इसका नाम नहीं लिखा, बट जो भी है बढ़िया तरीके से। मुझे पता है इसका क्या बढ़िया लगा, इसके टायर देखो एक बार कितने बढ़िया लग रहे हैं, और सॉकर एक बार, दो सीटर है अपना मस्त, ये गियर है, ये स्टेयरिंग, और पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को इंजन भी है पीछे, ये देख सकते हो आप, बैटरा लगा हुआ है, वर्किंग में है नहीं है ये, कुछ पता नहीं है मुझे, बट ये पूरा इंजन है जिसने ही बनाया, पूरा इंजन उंजन सेटअप करा। बट आपको जो भी यहाँ पे सामान दिख रहा है कुछ चीज़ों को छोड़ के सब LPU के बच्चों ने ही बनाया। टायर देख लो इसके, काफ़ी ऊँचे हैं, लगभग मेरे घुटने तक तो आ ही रहे हैं, इतने ऊँचे टायर हैं। और दो सीटर गाड़ी है मस्त, अपना वो मीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर, स्टेयरिंग भी अपना बढ़िया है, गियर का पता नहीं गियर टूट गया क्या हो गया, ये देख सकते हो आप। और पीछे अपना जिसने ही बनाया, पूरा इंजन सेटअप कराया, पूरा मस्त से कराया, एक नंबर, मतलब काफ़ी मेहनत लगी होगी इस चीज़ के में, काफ़ी टाइम लगा होगा बहुत। पीछे देख रहे हो वो है ऑटोनोमस सोलर बस, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से, ये सारे सोलर पैनल छोटे छोटे फिट हैं इसमें। और ये देख लो आप, सीट दिखा देते हैं आप लोगों को, 1, 2, पूरी 4 सीटें हैं, बड़ी हैं काफ़ी, बहुत लोग बैठ सकते हैं, अपना डाइनिंग टेबल भी छोटा सा है, और अपना मेन बंदा वहाँ से चला सकता है। ये पूरे मेरे पीछे देख रहे हो वो है पेट्रोल व्हीकल, इसका मुझे इतना वो नहीं पता पर चलता नहीं है इसका, ये छोटा सा है, स्टेयरिंग आगे पीछे इसको हिलाते रहो। और ये पूरा है बढ़िया बनाया जिसने भी बना, देख सकते हो मॉडर्न टाइप का घोड़ा, जिसके ये पैर देख सकते हो कितने लोहे के हैं पूरा, और पैडल मार के अपना चला सकते हो, और ये कुछ है कि ऐसे ऐसे करके चला सकते हो, या आप उठाओगे तो इसके पैर पे इफेक्ट पड़ेगा, इधर शायद इफेक्ट पड़ेगा, तो ये घोड़े गाड़ी सस्पेंशन है, ऐसे गाड़ी सस्पेंशन है, देख रहे हो इन, देख रहे हो वो है ऑटोमेटिक पोटैटो शॉर्टिंग मशीन, जो कि पोटैटो को पूरा छाटती है शायद, ऐसे ही कुछ करके आया। और पीछे इंजन लगा हुआ है, और पूरा ये पूरी ऑल ओवर मशीन है आपके सामने, 1, 2, 3, जहाँ पे देख सकते हो आपकी एक छोटे से आलू है, जैसे छोटे आलू है तो इसमें शॉर्ट हो जाएंगे, मीडियम इसमें, फिर लार्ज उसमें हो जाएंगे, ये पूरी डिटेल में दे रखा है, पूरी शॉर्टिंग मशीन है पोटैटो की। तो वो है एयरक्राफ्ट, जो कि डेमो वर्जन है पूरे, जो एयरक्राफ्ट चलता है तो रियल, बट रख रखा है एक शौक के लिए, देखते हो बिल्कुल ओरिजिनल ही है, आप देख सकते हो। आओ दिखा दो, पहले तो ये दिखा दे इंस्ट्रूमेंटल पैनल, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटल पैनल है जो भी है अंदर का, स्टॉल, वार्निंग इंडिकेटर, क्लॉक, टर्न इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को जैकिंग अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट किया गया है जैक का,
और ये पूरा देख सकते हो एयरक्राफ्ट कितना बढ़िया लग रहा है। और इधर दिखाते हैं बिल्कुल, आप लोगों को लगे कि हाँ भाई डेमो ही रख रखा है, तो इसलिए ये दिखाते हैं। इस पे चढ़ के पूरा ओरिजिनल है, शायद ये कुछ पेट्रोल का भरने का होगा ऐसा कुछ। और यहाँ से आप अपना खोल के अंदर जा सकते हो, टू सीटर है शायद। या पीछे देख रहे हो वो है MiG-21 का इंजन, पूरा आप देख सकते हो एरोप्लेन का इंजन है। दिखा रहे भाई आगे से, ये देख सकते हो कितना डिटेलिंग में है, पूरा रियल एस्टेटिक है पूरा, देख सकते हो। शायद ही आपने कभी देखा हो एरोप्लेन का इंजन, आगे दिखा दें पूरा, ये सारी चीज़ें हैं देखो। और इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं BCA से हूँ, आपको लोगों को पता ही होगा। और ये सारी चीज़ें एरोप्लेन का पूरा इंजन है, ये MiG-21 का सॉरी। और ये पूरा शायद फिल्टर का होगा कुछ, मेरे पीछे देख रहे हो ये MiG-21 का आगे वाला पार्ट है, जो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है उसका ये आगे वाला पार्ट है, ओरिजिनल ही है बिल्कुल, सोचो कहीं बना रखा है, ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये पूरा था पूरा ही है पूरा, लास्ट अगर सोच सकते हो आप कितना ही बड़ा है, देख रहे हो इंजन देख रहे हो, वो है MiG-8 का इंजन, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक है, पूरा फैन उन चल रहे हैं। और पीछे से दिखाता हूँ आपको पूरा, ये पूरा इंजन देख रहे हो, MiG-8 का इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन था, देख रहे हो पूरा पूरा ओरिजिनल है। मार के दिखा देता हूँ आपको, पूरा लोहे का बना हुआ है और काफ़ी बढ़िया लोहा, मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी में एरोप्लेन का इंजन जो देख रहे हो आप वो है इंजन के कट सेक्शन, मतलब जो भी पार्ट है इंजन, इंजन तो वो हो गया, और फिर अलावा उसके अलावा जो पार्ट है वो सारे ये कट सेक्शन जो भी है वो, एक ये हो गया पूरा देख सकते हो सारा ही। और ये देख लो, मतलब देख रहे हो कितना डिटेल होता है इंजन के, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इंजन में कितने सारे, अपना जो बाइक का जो होता है चलो हाँ थोड़ा बहुत है, इसमें देखो कितने सारे हैं, कितने ज़्यादा पाइप हैं, कितनी ज़्यादा, मतलब सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा यूज़ करा गया, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़। मैं सोच रहा हूँ अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, एक आध पाइप भी टूट गया, तो मुझे लगता है इंजन बेकार है, फेल हो जाएगा। देख लो कितनी ज़्यादा गैप है, ये पूरा एग्जॉस्ट है, इंजन के एग्जॉस्ट है जो पीछे लगते हैं, क्योंकि देख रहे हो ऐसे ही गोल मूव होता है, उधर भी एग्जॉस्ट का और वो भी एग्जॉस्ट है, तो देख रहे हो एग्जॉस्ट में भी कितनी सारी चीज़ें। अपने में तो खाली सिलेंसर होता है, बुलेट ही ले लो उसका खाली सिलेंसर ही लगता है, इसमें देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिटेल है। छोटी सी वीडियो थी इनोवेशन स्टूडियो के पास, खाया नहीं है यार सुबह से, और अभी लगभग 3 बजे लगा सकती हो आप खाली,